हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो एक सिलेक्ट DTC 324 का एक टेम्परेचर कंट्रोलर है, और ये जो मेरे हाथ में है ये एक विदाउट डिस्प्ले टाइप का टेम्परेचर ट्रांसमीटर है। और आज मैं आपको इसी वीडियो में टेम्परेचर कंट्रोलर और टेम्परेचर ट्रांसमीटर में क्या डिफरेंस है मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ। इसका जो डेफिनेशन है, टेम्परेचर कंट्रोलर इज एन डिवाइस दैट इज यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर। और टेम्परेचर ये कैसे कंट्रोल करता है? टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इसमें एक सेंसर लगा होता है जो कि RTD और थर्मोकपल भी हो सकता है। और ये कैसे करता है? फर्स्ट मेजरिंग द टेम्परेचर यानी कि प्रोसेस वेरिएबल, देन कंपेयर इट टू द डिजायर्ड वैल्यू यानी कि सेट वैल्यू। इसमें सबसे पहले इसमें एक सेंसर लगाते हैं जो कि टेम्परेचर इसमें शो करता है। और ये टेम्परेचर कंट्रोलर में क्या होता है, इसमें एक हाई सेट वैल्यू और एक लो सेट वैल्यू इसमें सेट किया जाता है। और ये टेम्परेचर सेंसर इसमें लगाने पे ये क्या करता है, वो हाई और लो को कंपेयर करता है। अगर हाई में जैसे ही इसमें सेट वैल्यू के ऊपर जैसे ही जाएगा यानी कि इसमें जैसे ही पहुँच जाएगा सेट वैल्यू तक, तो ये टेम्परेचर कंट्रोलर क्या करेगा, उसमें कट कर देगा। और ये टेम्परेचर कंट्रोलर में इसमें NVNC बॉटम है, और NVNC बॉटम इसमें ऑन ऑफ होता है यानी कि इसमें जो हाई सेट वैल्यू और लो सेट वैल्यू के हिसाब से ये ऑन ऑफ होता है। और ये जो मेरे पास है, देखिए ये जो मेरे पास है ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर है जो कि विदाउट डिस्प्ले वाला और डिस्प्ले टाइप का भी टेम्परेचर ट्रांसमीटर है। वो कैसे कैलिब्रेशन यानी कि टेस्टिंग करते हैं, उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप लोग वो वीडियो जाकर देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ये जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर में ऑलरेडी मैं हार्ट इसके साथ कनेक्ट करके कैसे इसके सारे कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जो लोअर सेट वैल्यू अपर सेट वैल्यू कैसे सेट करते हैं, वो वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। और ये जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर का जो डेफिनेशन है, ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट टू द टेम्परेचर सेंसर टू ट्रांसमिट द सिग्नल एनी वेयर फ्रॉम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस। यानी कि इसमें भी थर्मोकोपोल और ये जो RTD इसमें लगा होता है। और ये जो ट्रांसमीटर क्या करता है, ये ट्रांसमीटर जो कंट्रोल प्रोसेस को सेंड करता है यानी कि जो कंट्रोल प्रोसेस जो होता है PLC DCS और डाटा लॉगर को ये सेंड करता है। और ये जो ट्रांसमीटर ये फील्ड में लगाया जाता है यानी कि आउटडोर में लगाया होता है, और ये डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ होता है। और ये जो कंट्रोलर क्या करता है, ये खुद कंट्रोल करता है क्योंकि इसका ऊपर और कुछ भी प्रोसेस सिस्टम नहीं होता है, और इसमें RTD लगा होता है। और ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर ये इंडोर में इसका कनेक्शन करता है। ये जो कंट्रोलर को इसीलिए इंडोर में कनेक्शन करते हैं क्योंकि इसका अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। जब ये प्रोसेस जाने के चालू होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो इसका अंदर है वो गर्म होता है, और वेंटिलेशन के लिए इसमें होल भी दिया गया है। अगर इसे आउटडोर में कनेक्शन करोगे तो इसका अंदर डस्ट जाएगा और वाटर भी इसका अंदर घुसेगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पूरा डैमेज हो जाएगा यानी कि शॉर्ट सर्किट होके ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर आपका जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसीलिए ये टेम्परेचर कंट्रोलर ये इंडोर के लिए डिजाइन किया गया है, और ये इंडोर में कनेक्शन करते हैं। और इसका लाइफ भी बहुत कम है, और ये जो ट्रांसमीटर का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत हाई है। और जैसे कि मैंने बताया, ये जो कंट्रोलर ये खुद प्रोसेस करता है यानी कि ये खुद कंट्रोल करता है टेम्परेचर को। और टेम्परेचर रेकॉर्डिंग इसमें NVNC बॉटम है, वो उसी हिसाब से ये लोड को कनेक्ट करते हैं। और कैसे लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये टेम्परेचर कंट्रोलर कैसे कनेक्शन करते हैं, और इसका पैरामीटर कैसे सेट करते हैं, वो वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। और ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ये क्या है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर ये खुद कंट्रोल नहीं करता है। ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर इसीलिए बोलते हैं कि ये जो सिग्नल जाने की इसमें जो RTD लगा होता है, ये RTD इसमें फीडबैक देता है यानी कि टेम्परेचर सिग्नल देता है, और ये टेम्परेचर सिग्नल के हिसाब से इसमें जो आउटपुट यानी कि इसमें जो ये वो जाने के एनालॉग आउटपुट वो मिली एम्पियर फॉर्म में देता है जो कि 4 to 20 mA वो DCS PLC डाटा लॉगर को सेंड करता है। वो उसे कैलकुलेट करके इसमें टेम्परेचर आपका मॉनिटरिंग सिस्टम में शो करता है, और इसीलिए इसको टेम्परेचर ट्रांसमीटर बोलते हैं। और ये जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर हमेशा बड़े बड़े प्लांट में लगाया जाता है
यानी कि जो पावर प्लांट और स्टील प्लांट में लगाया जाता है, क्योंकि ये बहुत दूर लगाया जाता है और उधर यानी कि फील्ड में उसे लगा के जो तार, इसमें दो तार लगा होता है और दो तार से इसमें कंट्रोल रूम को लाते हैं। कंट्रोल रूम में ये इसको कंट्रोल करता है, और ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर जो है, टेम्परेचर कंट्रोलर को इंडोर में लगाते हैं, यानी कि ये भी प्लांट में लगाते हैं, लेकिन ये जो फील्ड के ऊपर नहीं लगाते हैं, और ये जो इंडोर में लगाते हैं और फर्नेस में भी लगाते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर की बात आई तो इस ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर वहाँ लगाते हैं टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया, ये जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर, ये इसका जो लाइफ स्पैन जो है हाई है, उसी हिसाब से इसका जो कॉस्ट भी बहुत हाई है। ये खुद ऑपरेट नहीं करता है, इसको ऑपरेट करने के लिए यानी कि इसमें PLC और DC सिस्टम होता है, DC सिस्टम से ये ऑपरेट होता है। और जैसे कि मैंने बताया, ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर, ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर, ये इंडोर में लगाया जाता है, और इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत इससे बहुत कम है, इसीलिए इसका जो कॉस्ट जो है ये लो है। और इसमें भी बहुत डिफरेंट पैरामीटर होता है सेट करने के लिए, और इसमें भी रिले भी होता है, SS रिले और NONC बटन, और इसमें कैसे आप थर्मोकपल कनेक्शन करते हैं और RTD कनेक्शन करते हैं, और ये जो NONC बटन किस तरह कनेक्ट करते हैं, उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप लोग देखना चाहते हैं तो वो वीडियो सब जाके देखिए फ्रेंड्स। और भी बहुत सारा टेक्निकल रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल विजिट करें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो सब वीडियो जाके आप लोग देखें, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।